आज जो आशाएं आप लगाए हैं वो कल पूरी होंगी, आपके मध्य की ही बच्चियां हैं और माता रानी भगवान भोलेनाथ से इनके लिए मंगल कामनाएं हैं। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी लगी, अभी बिटिया ने कहा कि हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता, सभी का सपना साकार नहीं होता, अरे हर व्यक्ति होशियार नहीं होता। हम लोग गाते बजाते हैं ये माता रानी की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। बहुत बढ़िया सुंदर सी रचनाएं सुनाई हैं दोनों बच्चियों ने, भगवान तुम लोगों को उन्नति दे। एक बात हमारे टीटू भैया कह रहे थे, इधर तुम गीत गा रहे हो बिटिया, वो हंस रहे हैं। अरे इनके ऊपर क्या हंसेंगे टीटू भैया, अगर इनके ऊपर हंसेंगे तो हम अपने ऊपर हंसेंगे, क्या बात है। हम इनके ऊपर नहीं हंस रहे हैं, लेकिन एक बात जो मुझे कहनी होती है वो मैं कह देता हूँ। इनके ऊपर जो मार्गदर्शन है जिसका भी है बपोया, वो ठीक नहीं है, इतने से ही पता चला, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कभी कभी लोग इधर उधर हो जाते हैं। अगर मार्गदर्शन ठीक होता तो आज स्थिति बहुत अच्छी होती। चलिए लोग हैं, भरण पोषण में लगे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जीवन है उनका। बाकी मैं हंसाने की बात नहीं करता हूँ, हंसता बहुत हूँ ये सत्य है, मजाक भी बहुत गहराई तक करता हूँ, लेकिन दिल से नहीं करता, वो सिर्फ ऊपर से करता हूँ। आइए हो कि हमारा काम है, हमारा काम है, सभी लोग गाते हैं आओ करके, हम गाते नहीं, अपनी आदत नहीं, कि हमारा काम है भोले का नाम लेने का, और भोले का काम है गिरते को थाम लेने का। तो अगर भोले गिरते को थाम नाम ना ले। देखिए जो भी समिति के भैया दद्दा लोग हैं, बहुत दूर तक आप लोग बैठे, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, इधर उधर बैठे थोड़ा, अगर आप लोग सामने आ जाएं, आपको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, मेरा विनय स्वीकार कर ले, एक तो रचनाएं अच्छी सुनाना चाहता हूँ। मगर आप लोग पैसे न दीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ सुबह की बेला में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। बैठ 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 गीत भजन के बहुत अच्छे फनकार हरिओम शरण जी ने गाया, और उनका गीत कह रहा है, अरे तुम्ही से दिल लगा बैठे, अरे
जो होगा देखा जाएगा। पप्पू भैया इस गीत को सुनिएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दामिनी और इस बिटिया क्या नाम है, मानसी, मैं दोनों लोगों से कहूंगा अपनी भी कुछ तानना सीखो। क्या बात, अपनी भी कुछ तानना सीखो, बड़ों की बात मानना सीखो। क्या बात है बिटिया रानी, दुनिया बड़ी ऐसी वैसी है, ये दुनिया बड़ी ऐसी वैसी है, जरा लोगों को पहचानना सीखो। सुनिएगा कह रहा है, बहुत अच्छी तरह पंक्तियों को सुनिएगा। अरे तुम्ही से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा भाई। सामान्य शुक्ला जी बहुत अच्छे आयोजक हैं आप, सुना सिंह नाथ बाबा में मुलाकात होती है, एक बार आपने ऐसा कार्यक्रम कराया हमारा, वो गांव आज तक हम नहीं भूल पाए। बाकी बहुत गजब जगह, विश्वास रखिए ऐसी जगह में आप जैसे लोग ही पहुंचा सकते हैं, जहां पर कीर्तन की कोई मिसाल ही ना हो, कोई अंकुर भी ना हो, वहां पर एक वृक्ष लगा दिया। और ये सत्य है, लोग यही पूछ रहे भैया कीर्तन का आए हो, ये कीर्तन होता है, लेकिन शुक्ला जी वहां जब पहुंचे तब इन्होंने बताया ऐसे ऐसे, और वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ वो। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं ऐसे आयोजकों के लिए भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं। जरा देखिए हमारे इस भारत में दद्दा पैसे वालों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन धन हो तो कैसा हो। अगर हमारी पंक्तियां अच्छी लगे तो करतल ध्वनि से आशीर्वाद दीजिएगा, धन कैसा होना चाहिए। अरे धर्म के काम जो आए, धर्म के काम जो आए, संजय भैया धर्म के काम जो आए, तो खजाना हो तो ऐसा हो। सैफई महोत्सव में लग जाए उसकी बात नहीं कर रहा, खजाना हो धर्म के काम आ जाए, इतिहास हो जाए, समाज में प्रेरणा बन जाए। सुनिएगा दामिनी जी, अभी जाइएगा, कोई दुनिया में रुकने के लिए नहीं आता, सभी जाते हैं, हम भी जाएंगे आप भी जाओगे, लेकिन आगे पीछे का समय, सुनिएगा जाना नहीं, हमारी बात सुन लो। अरे धर्म के काम जो आए, खजाना हो तो ऐसा हो, सुनिएगा शायद अच्छा लगेगा आपको। अरे जिससे मुक्ति मिल जाए, लोग कहते हैं उनके 500 मकान है, अरे क्या करना है ऐसे मकानों का, उनके फार्म हाउस है, अरे क्या जरूरत है फार्म हाउस की, अगर कोई जरूरत है तो इस चीज की है, किस चीज की। अरे जिससे मुक्ति मिल जाए,
जाए है जिससे मुक्ति मिल जाए ठिकाना हो तो ऐसा हो से वो मिल जाए ये श्रोता है दादाजी अगर ये ऊर्जा आप देंगे तो विश्वास रखिए हम लोग कुछ न कुछ विशेष सुनाकर जाएंगे आपको क्योंकि पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए पुरखों की निशानी बचाए रखिए मर जाए किसी की आंखों का पानी मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए जरा सुनिएगा दूसरी पंक्ति दे रहा हूं तो जरा सी चीर के बदले द्रौपदी ने आज अंबर तक अंबर का अंबार लगा दिया कन्हैया ने तो समूल चल कह रहा है अरे बहन की लाज के खातिर बहन की लाज के खातिर बयाना हो तो ऐसा हो अरे बहन की लाज के खातिर बयाना हो एक टुकड़ा और देखिए दादाजी कहाँ जा रहे हैं अरे आप चले जाएंगे तो फिर गाने का मतलब क्या है क्योंकि वो सभा नहीं है जहाँ बुजुर्ग नहीं है और वो बुजुर्ग नहीं है जिसमें निष्ठा नहीं है वो निष्ठा नहीं है जहाँ सत्य नहीं है जरा सुनिएगा प्रयास देखिए बयाना हो तो ऐसा हो खजाना हो तो ऐसा हो ठिकाना हो तो ऐसा हो एक टुकड़े को और देखिएगा कि लगी है मारना ऊपर है तो लगी है दांव पर देखो
वो बेबस मीन की पुतली, अरे कहीं देखे कहीं मारे, अरे कहीं देखे कहीं मारे निशाना हो तो ऐसा हो, कहीं देखे कहीं मारे निशाना हो तो ऐसा हो, कहीं देखे कहीं मारे निशाना हो तो ऐसा हो, कहीं देखे कहीं मारे निशाना हो तो ऐसा हो। एक टुकड़ा और देखिए, लोग मिलते हैं बड़े हृदय से लेते हैं, बोले भैया कहाँ रहे हो, गुलरी के फूल हुई हो, बड़े दिन बाद मिलो, हम तुमको बड़ा मानते हैं, दर्शन के लिए आंखें तरस गई, तमाम पालिशबाजी करते हैं अगर देसी भाषा में कहा जाए तो। और जैसे ही वो व्यक्ति वहां से हटता है, बोले क्या टेस्ट खराब कर दिया, सुबह सुबह मिल गया ये व्यक्ति। तो देखिए संपूर्ण क्या कह रहा है, ये धोई काया कंचन की पर अंतर मन रहा गंदा, ये धोई काया कंचन की पर अंतर मन रहा गंदा, तो मैल मन से निकल जाए नहाना हो तो ऐसा हो, मैल मन से निकल जाए नहाना हो तो ऐसा हो, मैल मन से निकल जाए नहाना हो तो ऐसा हो, अरे धर्म के समय की बप्पू भैया, कुछ कलाकार इस क्षेत्र से आ रहे हैं, वो गा बजा कम रहे हैं, दो क्षेत्रों से आ रहे हैं, किधर से किधर से, उनको कोई लेना देना नहीं समझे भैया, कीर्तन उनको मायने नहीं मालूम क्या है, लेकिन स्थितियां ये है कि एक तो वो तानसेन है, गाते कम है, आओ ज्यादा करते हैं, जनता का समय खराब करते हैं, फालतू में टेस्ट खराब करते हैं, स्थितियां ये है। चूंकि एक स्पष्टवादी आदमी हूं, स्पष्ट बोलता हूं, लोग कहते हैं कि भगवान को मनाने के लिए ये करो वो करो, लेकिन संभू अंचल कह रहा है जब जनता जनार्दन को लुभाना हो तो आप राग में गाइए, जब जनता को लुभाना हो तो आप राग में गाइए, और जब प्रभु को लुभाना हो तो आप अनुराग में गाइए। कौन सी जरूरत है आओ करने की, आइए, क्योंकि जो बात ऐसे पूरी हो सकती है वो आओ से कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो संबोल चल कह रहा है, ये जो संगीत स्वर लहरी यही है जिंदा सम्मोहन, ये जो संगीत स्वर लहरी यही है जिंदा सम्मोहन, अरे सभी का जीत ले जो दिल, सभी का जीत ले जो दिल तो काना हो तो ऐसा हो, सभी का जीत ले जो दिल तो काना हो तो ऐसा हो, सभी का जीत ले जो दिल तो काना हो तो ऐसा हो, धर्म के जाना हो तो ऐसा हो।
नित्यानंद कंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए चलते चलते एक छोटा सा